सबको गुड मॉर्निंग सुप्रभात बच्चों जय हिंद नमस्कार आप सभी जितना जल्दी हो सके मोहित नमस्कार नीतीश पाठक गुड मॉर्निंग कोमल वेरी गुड मॉर्निंग मुनमुन वेरी गुड मॉर्निंग रोहित पवन पांडे गुड मॉर्निंग बच्चों सुनील प्रणाम प्रणाम भाई आप कैसे हो सुनील आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे विद्या गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग दो दिन के बाद मिल रहे हैं नेहा गुड मॉर्निंग दो दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आशीर्वाद है सुनील बहुत अच्छी बात है आशीर्वाद हमेशा रहेगा तो दो दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं उजाला नमस्कार अमन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग नए वर्ष को बहुत इंजॉय किए होंगे ठीक है और नए वर्ष में कुछ आप लोग शपथ भी लिए होंगे कुछ आप लोग सोचे होंगे कि इस वर्ष हमको ये काम करना है और मेरा मानना है कि कभी भी हमारा प्रयास यदि सही है तो कभी गलत नहीं होता है उसका फल अवश्य आता है ठीक है आप लोगों में से आप बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बार बीपीएससी परीक्षा दिए थे बीपीएससी परीक्षा कितने लोग दिए थे उजाला ठीक है यूपीएससी देना है अभी बीपीएससी की परीक्षा हुआ है कितने लोग दिए हैं पटना ब्रांच से झारखंड ब्रांच से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा दिया है ओके नेहा आपने दिया है अच्छी बात है तो अमन भी दिए हैं वेरी गुड अच्छी बात है और कोई बच्चा ठीक है तो जो अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा दिए हैं कि आपको लगता है कि प्री आप पास कर जाएंगे अमन आपको लगता है कि प्री आपका निकल जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है अच्छी बात है तो अभी से अमन आपको परीक्षा फल का इंतजार नहीं करना है यदि आपको लगता है कि आप परीक्षा पास कर जाएंगे प्री निकल जाएगा तो अभी से आप लग जाइए आपको उसका रिजल्ट का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए मेरा मानना है और अभी से आपको हम गाइड करना शुरू करेंगे ठीक है जो हम लोग ऑप्शनल पढ़ रहे हैं इसका फायदा आपको ऑप्शनल में तो मिलेगा ही जीएस में भी इसका फायदा मिलेगा यानी जीएस फर्स्ट पेपर में जो इतिहास विषय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं अब रहा बिहार स्पेशल तो बिहार स्पेशल में भी हम किसी दिन आपको आधे घंटा जो है गाइड कर देंगे जैसे कुंवर सिंह हम बता देंगे कुंवर सिंह के अलावे पटना कला के बारे में बता देंगे आपको इसके बाद मधुबनी कला के बारे में ही बता देंगे और पाल कला के बारे में भी बता देंगे इसके बाद मौर्य कला हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोगों को हम अलग से नोट्स बना करके बिहार स्पेशल पर नोट्स बना करके हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे आप उसको देख लीजिएगा आपका काम हो जाएगा इसके लिए चिंता नहीं करना है आपको चिंता करना है पॉलिटी के लिए इकोनॉमी के लिए बिहार में हिस्ट्री के लिए आपको चिंता नहीं करना है आपको हम एक डेढ़ सप्ताह के अंदर एक सप्ताह के अंदर नोट्स बना करके व्हाट्सएप कर देंगे उससे आपका बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा ठीक है ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और जब मैं कह दिया तो मान के चलिए मैंने कर दिया यह नहीं कि मैंने कह दिया नहीं करेंगे मैंने कह दिया तो मैंने कर दिया ठीक है तो आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं फिर जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में समाचार समाचार पत्रों का विकास इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ठीक है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे राइट listen सॉरी तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में समाचार पत्रों का विकास तथा उनका भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन प्लस भारत में राष्ट्रवाद के विकास में में योगदान इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ओके आपने देखा कि शुरू से ही भारत में भारतीय लोगों के द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग भाषाओं में अपने अपने तरीके से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को भारत के सामान्य जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया ताकि भारत के सामान्य जनता भी राजनीतिक प्रशासनिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर जागरूक हो सके उनमें नवीन चेतना का विकास हो सके पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट चूंकि ब्रिटिश सरकार का स्वरूप राष्ट्रवादी नहीं था लोकतांत्रिक नहीं था इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर भारत में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों के ऊपर कानून बना करके प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया ताकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पैदा न हो सके और दोनों एक साथ चलते रहे हम बोलते रहे और ब्रिटिश सरकार हमारे जुबान को हमारे आवाज को हमारे मुंह को बंद करने का प्रयास करती रही तो आइए बच्चों आज हम सबसे पहले बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाया गया कदम उठाया गया कदम तो हेडिंग डालिए बच्चों लिखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु लगाने हेतु उठाया गया कदम उठाया गया कदम द मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल दी इंडियन न्यूज पेपर्स द इंडियन न्यूज पेपर्स यही हम लोग का हेडिंग है और इसमें सबसे पहले आप लिखिए देंसरशिप देंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट सेवेंटीन नाइन्टी नाइन सेवेंटीन नाइन्टी नाइन लिखिए सबसे पहला पॉइंट होगा यह सबसे पहला कदम है देंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लिखिए यह अधिनियम यह अधिनियम यह अधिनियम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली के द्वारा लॉर्ड विलेजली के द्वारा लाया गया लॉर्ड विलेजली के द्वारा लाया गया लॉर्ड विलेजली के द्वारा लाया गया जिसका उद्देश्य था जिसका उद्देश्य था कि सरकार विरोधी कि सरकार विरोधी भारतीय समाचार पत्रों पर भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना दूसरा लिखिए दूसरा दूसरा द लाइसेंसिंग दी लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 the licensing regulation of 1823 1823 लिखिए यह अधिनियम यह अधिनियम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल एडम्स के द्वारा लाया गया एडम्स के द्वारा लाया गया यह अधिनियम ब्रिटिश गवर्नर जनरल एडम्स के द्वारा लाया गया जिसका उद्देश्य था जिसका उद्देश्य था कि किसी भी भारतीय समाचार पत्र में किसी भी भारतीय समाचार पत्र में किसी भी भारतीय समाचार पत्र में ब्रिटिश विरोधी ब्रिटिश विरोधी विचारों को प्रकाशित होने से रोकना प्रकाशित होने से रोकना प्रकाशित होने से रोकना इस अधिनियम के बाद इस अधिनियम के बाद मिरातुल अखबार मिरातुल अखबार अखबार लिखिए इस अधिनियम के बाद मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में जो फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था प्रकाशित होता था उसको बंद करना पड़ा उसको बंद करना पड़ा उसको बंद करना पड़ा नेक्स्ट 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 लिखिए अगला पॉइंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड विलियम बेंटी के समय में लॉर्ड विलियम बेंटी के समय में एडम्स के द्वारा एडम्स के द्वारा प्रतिपादित एडम्स के द्वारा प्रतिपादित कानून को रद्द कर दिया गया कानून को रद्द कर दिया गया तथा भारतीय समाचार पत्रों को भारतीय समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की भारतीय समाचार पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया गया स्वतंत्रता प्रदान किया गया लेकिन इसका श्रेय लेकिन इसका श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल लेकिन इसका श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ लॉर्ड मेटकॉफ को दिया जाता है लॉर्ड मेटकॉफ को दिया जाता है जिसे भारतीय समाचार पत्रों जिसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है मुक्तिदाता कहा जाता है जिसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है यानी कि बच्चों लिबरेटर ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज पेपर मेटकॉफ को कहा जाता है कि ही वॉज ए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है अगला पॉइंट लिखिए अगला पॉइंट 1857 के रिवोल्ट के बाद 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के, के, के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के प्रति ये अगला पॉइंट है 1857 के रिवोल्ट के बाद यानी कि विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी एवं नस्लवादी हो गई एवं नस्लवादी होती गई एवं नस्लवादी होती गई और इसका परिणाम हुआ और इसका परिणाम हुआ कि 1878 में 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लॉर्ड लिटन के द्वारा के द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया इंडियन वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया जिसे हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं 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 हिंदी में जिसे हम मुंह बंद करने वाला कानून मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं गैगिंग का मतलब होता है बच्चों किसी किसी का मुंह बंद करना गैगिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मुंह बंद करना यानी उसे बोलने का अधिकार न देना ठीक है परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ईश्वर चंद्र विद्या सागर द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश सोम प्रकाश को बंद करना पड़ा सोम प्रकाश को बंद करना पड़ा सोम प्रकाश को बंद करना पड़ा तथा शिशिर कुमार घोष के द्वारा शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित अमृत बाजार अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका इस कानून से बचने के लिए इस कानून से बचने के लिए रातों रात रातों रात बंगला भाषा से रातों रात बंगला भाषा से अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा बंगला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा प्रकाशित होने लगा बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि आज यह पत्रिका यह समाचार पत्र मूलतः बंगला भाषा में प्रकाशित होता था लेकिन जैसे कानून लागू हुआ तो अगले दिन यानी पांच तारीख को यह सुबह में देखा गया कि यह जो है समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में आने लगा अपने को बचाने के लिए ठीक है अगला पॉइंट लिखिए पैरा बदल करके पैरा बदल करके ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन के समय में इस कानून को रद्द कर दिया गया इस कानून को रद्द कर दिया गया रीपन एक उदारवादी रीपन एक उदारवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरल था एक उदारवादी ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और इसलिए वह भारतीय लोगों की वह भारतीय लोगों की समस्याओं को सुनना चाहता था सुनना चाहता था उसे दमन करना नहीं उनका दमन करना नहीं भारतीय लोगों की समस्याओं को सुनना चाहता था उनका दमन करना नहीं फुल स्टॉप अगला पॉइंट नेक्स्ट न्यूज पेपर एक्ट ऑफ 1908 इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 लिखिए हेडिंग यही रहेगा न्यूज पेपर एक्ट ऑफ नाइनटीन इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 टेन लिखिए बीसवीं सदी के प्रारंभ में बीसवीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के बीसवीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियावादी नीतियों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी एवं एवं राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रांतिकारी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा का विकास हो रहा था उग्रवादी एवं राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा का विकास हो रहा था देश के कई भागों में देश के कई भागों में छोटे 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 क्रांतिकारी क्रांतिकारी गुप्त समितियों का गुप्त समितियों का क्रांतिकारी गुप्त समितियों का गठन हो रहा था गठन हो रहा था गठन हो रहा था जैसे महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र में अभिनव भारत जैसे महाराष्ट्र में अभिनव भारत बंगाल में अनुशीलन समिति बंगाल में अनुशीलन समिति इत्यादि महाराष्ट्र में अभिनव भारत बंगाल में अनुशीलन समिति इत्यादि और इसीलिए और इसीलिए ब्रिटिश सरकार भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी प्रतिबंध लगाना चाहती थी ताकि ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी धारा को ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी धारा को रोका जा सके रोका जा सके और इसके लिए और इसके लिए द्यूज पेपर एक्ट ऑफ द न्यूज पेपर एक्ट ऑफ 1908 1908 एट नाइनटीन तथा द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 1910 पारित किया गया पारित किया गया जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदरवादी नेताओं के द्वारा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदरवादी नेताओं के द्वारा भी आलोचना किया गया आलोचना किया गया आलोचना किया गया, आलोचना किया गया। लास्ट पॉइंट लिखना लास्ट पॉइंट द इंडियन पेस एक्ट ऑफ 1931 ब्रैकेट में इमरजेंसी पावर इमरजेंसी पावर इमरजेंसी पावर द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1931, थर्टी वन पावर यानी आपातकालीन शक्तियां आपातकालीन शक्ति लिखना यह कानून यह कानून उस समय लाया गया यह कानून उस समय लाया गया जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ने ने अवज्ञ आंदोलन ने अवज्ञ आंदोलन शुरू किया गया था शुरू किया गया था इस कानून का उद्देश्य भी इस कानून का उद्देश्य भी भारतीय लोगों को भारतीय लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार भारतीय लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करना था से वंचित करना था से वंचित करना था फुल स्टॉप अब यहां बच्चों एक आप क्वेश्चन लिखिए यहां पर यहां पर क्वेश्चन लिखिए आप discuss the main measures taken by british government british government to curb the, the Liberty of Indian Press or Newspaper, Indian Press or Newspapers. वन फिफ्टी वर्ड्स एक सौ पचास शब्द एक सौ पचास शब्द डिस्कस दस टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कर्ब द लिबर्टी ऑफ इंडियन प्रेस और न्यूज पेपर न्यूज पेपर्स एक्सेट्रा इसका हिंदी लिख लीजिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय प्रेस ऑब्लिक समाचार पत्र भारतीय प्रेस ऑब्लिक 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 समाचार पत्र के स्वतंत्रता पर के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अंकुश लगाने के लिए उठाए गए उठाए गए मुख्य कदम मुख्य कदमों का मुख्य कदमों का विवेचना कीजिए मुख्य कदमों का विवेचना कीजिए मुख्य कदमों का विवेचना कीजिए 150 शब्द में लिखना है 150 शब्द में लिखना है ठीक है तो ये है बच्चों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश काल में भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों का एक तरह से यह उल्लेख है ठीक है उसके बारे में यह मुख्य बातें हैं अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में भारतीय समाचार पत्रों का योगदान क्या रहा ठीक है ठीक है हेडिंग डालिए भारतीय समाचार पत्रों का योगदान भारतीय समाचार पत्रों का योगदान भारतीय समाचार पत्रों का योगदान इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट होगा लिखिए भारत में राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद धर्म प्लस समाज सुधार प्लस आर्थिक समस्याओं आर्थिक समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना जागरूकता पैदा करना यह सबसे पहला योगदान है बच्चों ध्यान दो हमारे यहां शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं था लोग नहीं जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए हमारी समस्याएं क्या है हम गरीब क्यों हैं, हम पिछड़े क्यों हैं हम गुलाम क्यों हैं? इनके बारे में भारतीय समाज का जो सामान्य वर्ग था उसको पता नहीं था इस काम को किया कौन भारतीय समाचार पत्र दूसरा पॉइंट लिखना दूसरा दूसरा ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को जनता के समक्ष रखना जनता के समक्ष रखना और उसके अंदर की और उसके अंदर की बुराइयों को और उसके अंदर की बुराइयों को जनता के सामने उजागर करना उसके अंदर की बुराइयों को जनता के समक्ष उजागर करना यह दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट भारत से भारत से निरंतर होने वाले धन के निष्कासन को धन के निष्कासन को भारतीय लोगों के सामने भारतीय लोगों के सामने उजागर करना भारतीय लोगों के सामने उजागर करना उसे बताना भारतीय लोगों के सामने उजागर करना तीसरा तीसरा अकाल अकाल प्लेग अकाल प्लेग समस्याओं के प्रति सरकार की निष्क्रियता का सरकार की निष्क्रियता का आलोचना करना और उसे और उसे भारतीय लोगों को बताना और उसे भारतीय लोगों को बताना और उसे भारतीय लोगों को बताना नेक्स्ट नेक्स्ट अगला पॉइंट भारतीय धन से भारतीय धन से भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारतीय धन से भारत के पड़ोसी देशों में पड़ोसी देशों में होने वाले सैन्य अभियान होने वाले सैन्य अभियान का आलोचना करना भारतीय धन से भारत के पड़ोसी देशों में होने वाले सैन्य अभियान का आलोचना करना और उनके प्रति और उनके प्रति एक उदारवादी और उनके प्रति एक उदारवादी नीति अपनाने के लिए अपनाने के लिए सरकार पर दबाव डालना सरकार पर दबाव डालना सरकार पर दबाव डालना नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद कांग्रेस की कार्यक्रम कांग्रेस की कार्यक्रम उद्देश्य एवं क्रिया पद्धति आदि को सामान्य लोगों तक पहुंचाना सामान्य लोगों तक पहुंचाना सामान्य लोगों तक पहुंचाना और कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के अंदर जन भागीदारी को कांग्रेस के अंदर जन भागीदारी को बढ़ाने हेतु जन भागीदारी को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना उन्हें प्रोत्साहित करना उन्हें प्रोत्साहित करना उन्हें प्रोत्साहित करना पैरा बदल करके संक्षेप में कहा जा सकता है संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में परिस्थितियों का ब्रिटिश काल में परिस्थितियों का परिस्थितियों का प्रतिकूल होने के बावजूद प्रतिकूल होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति से भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति से एक राष्ट्र बनाने में एक राष्ट्र बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाया केंद्रीय भूमिका निभाया फुल स्टॉप तो ये है बच्चों आपका कि ब्रिटिश काल में भारतीय मीडिया का समाचार पत्रों का राष्ट्र के निर्माण में समाज के निर्माण में ब्रिटिश विरोधी चेतना के विकास में क्या योगदान है जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह से तो आप इन सारे पॉइंट्स को उल्लेख कर सकते कुछ एग्जाम्पल देकर के जैसे आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि मराठा केसरी तिलक के द्वारा ठीक है युगांतर वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा वंदे मातरम अरविंद के द्वारा बंगाली एस एन बनर्जी के द्वारा सुधारक गोखले के द्वारा तो कुछ एग्जाम्पल आपको देना होगा जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया है ठीक है तो ये आपका अध्याय समाप्त हुआ यानी कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लिया इसके बाद हम लोगों ने भारत में समाचार पत्रों का किस तरह से विकास होता है उनका क्या योगदान होता है सरकार उनके बारे में क्या सोचती है इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर लिया अब आज से एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वह अध्याय है वह अध्याय है भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन सुधार आंदोलन जिसको हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं जिसे हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं ठीक है ये टॉपिक हम लोग का नया टॉपिक होगा और आप देखोगे इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई सवाल आता रहता है बस दो मिनट थोड़ा हम देखना चाहते हैं देखिए इस चैप्टर से कई सवाल आए हैं ठीक है कई सवाल आए हैं तो आप भी देख लीजिएगा ठीक है अभी हमारा प्रयास होगा इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और इसके बाद हम कई क्वेश्चंस देंगे आपको ठीक है तो भी रेडी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट होगा हम लोग का कि धर्म और समाज सुधार आंदोलन समाज सुधार आंदोलन पहला है कब कहां से और किसके द्वारा तीन बेसिक यहां क्वेश्चन आए हैं यानी समाज और धर्म सुधार आंदोलन कहां से किसके द्वारा और कब बहुत बेसिक सवाल है इसके बाद अगला सवाल होगा हम लोग का कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन क्या है इसका आशय क्या है इसका अर्थ क्या है ध्यान रखना इसके बाद अगला सवाल होगा इसका उद्देश्य क्या है इसका क्या उद्देश्य है इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रेरणा का स्रोत क्या है इसका प्रेरणा का स्रोत क्या है इसका प्रेरणा का स्रोत क्या है इसके बाद अगला प्रश्न होगा कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन का आधार क्या है इसका बेस क्या है बच्चों ध्यान रखना पूरी कहानी को समझने के लिए ये छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन अपने आप में ये बिंदु नहीं है बल्कि एक पूरा पेज है एक पूरा पन्ना है एक विचार है और मेरा शुरू से प्रयास रहता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करें ताकि जब हम ऊपर जाएं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, तो विचारधारा बढ़ती जाएगी व्यापक होती जाएगी तो उस समय हमें कोई परेशानी नहीं होगा इतना हो गया आधार क्या है आधार के बाद अगला सवाल है कि समस्याएं क्या क्या है हमारे सामने समस्याएं क्या है इसके बाद सुधारक कौन है और ये सुधार करना क्यों चाहते हैं सुधारक कौन है और सुधार करना क्यों चाहते हैं ठीक और इसी में इनका सुधार का माध्यम क्या है सुधारक कौन सुधार क्यों करना चाहता है और उसका सुधार करने का माध्यम क्या है इसके बाद अगला प्रश्न आएगा सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप क्या है इसका क्या स्वरूप है इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यूरोपीय और भारतीय पुनर्जागरण में अंतर क्या है अंतर क्या है और समानता क्या है अंतर क्या है और समानता क्या है यानी जो यूरोप में हुआ और जो भारत में हुआ उनमें समानता कहां पर है और उनमें असमानता कहां पर है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कारण कि दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन बन सकता है और हम बनाकर दिखाएंगे आपको इसके बाद अगला हम लेंगे इसका सीमाएं क्या क्या है यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो काम किया गया वो तो अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है उसकी कुछ सीमाएं तो होगी कुछ कमजोरियां तो होगी तो हम पॉइंट लेंगे उनकी सीमाएं यानी भारतीय धर्म समाज सुधार आंदोलन की कमजोरियां क्या है और लास्ट में हम बताएंगे इसका योगदान क्या है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इसका योगदान क्या है और इतना अध्ययन करने के बाद हम आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान देने वाले कुछ भारतीय समाज सुधारकों को अलग से हम हां अमन प्रभाव यही है प्रभाव का मतलब योगदान ठीक है कुछ अलग से हम भारतीय समाज सुधारकों के बारे में आपको हम बताएंगे ठीक है राइट right. तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के अनुसार हमको आगे बढ़ना है ये हम लोग का फ्रेम है और इसी फ्रेम को पकड़ के हमको आगो आगे बढ़ना है तो बच्चों इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। राइट इट पवन पांडे ने लिख लिया जल्दी बोलिए ताकि हम आगे बढ़ें बी फास्ट बी रेडी प्रियंका ने भी लिख लिया रितु लिख लिया वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबने लिख लिया बहुत बढ़िया यानी आप लोग काफी अब फास्ट हो चुके हैं है ना हमसे अधिक फास्ट आप लोग चल रहे हैं लोग ओके <laughs> किसी ने कहा है कि सर कुछ लोग डीमोटिवेट करते हैं देखो जो डीमोटिवेट करता है उसमें आपको सुधार करना है यही समाज सुधार आंदोलन का संदेश है क्योंकि सोचो अमन सिलेबस हो जाएगा सिलेबस अपने समय से समाप्त होगा घबराइए नहीं ठीक है सिलेबस के बारे में चिंता मत कीजिए वो मैं समय से कर दूंगा ठीक है हम लोग एक इसका निकाल लेंगे हल निकाल लेंगे जैसे मुझे लगता है कि लिखने में समय अधिक लग रहा है मुझे लगता है कि लिखने में समय अधिक लग रहा है ठीक है तो ऐसे में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि क्लास में हम लोग अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे क्लास में हम अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे और बाकी चीजों को हम आपको अलग से कुछ प्रोवाइड कर देंगे ठीक है हो सकता है कि हमारा रिटर्न नोट्स हो जो मेरे द्वारा लिखा गया है हैंड रिटर्न नोट्स हो तो आपको हैंड रिटर्न नोट्स हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे और क्लास में केवल समझेंगे हम ठीक है ना क्लास में केवल समझेंगे राइट right? ठीक है तो चलिए हम इसको समझाते हैं और आप लोगों का काम होगा कि हमारा गति काफी धीरे होगा ताकि आप लोग जो हम बोलेंगे उसको आप लिख सकें ठीक है अलग से हम हो सकता है लिखवाए नहीं आप चाहेंगे तो हम अलग से लिखवाएंगे नहीं हम समझाएंगे और चीजों को आप नोट करते जाइए ठीक है और जहां तक नोट्स की बात है तो हम अपने से लिखा हुआ नोट्स आपको व्हाट्सअप कर देंगे हम इसके लिए हम जो चढ़किया का मैनेजमेंट है उससे हम बात कर लेंगे ताकि हम आपको नोट्स दे सके और अलग से नोट्स हम दे देंगे अरे छोड़िए टाइपिंग से क्या मतलब है जो मेरा लिखा हुआ है उससे आप सीधे सीधे ले लीजिए ठीक है जो टाइपिंग होता है उसमें हो सकता है कुछ कमियां भी हो तो जो भी हो हम टाइपिंग हो या हस्त या हैंड रिटिंग हो दोनों तरीका से आपको नोट्स हम दे देंगे उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है ठीक है देखिए सबसे बड़ी बात है बच्चों कि यह समय आपको बार बार नहीं मिलते हैं। आप कहीं भी ऑप्शनल पढ़ने जाओगे कहीं भी ऑप्शनल पढ़ने जाओगे तो मान के चलो कि तीन घंटा पर डे क्लास चलता है ध्यान देना तीन घंटा पर डे क्लास चलता है तो ऑप्शनल में लगभग 250 से लेकर 280 घंटा लगता है ऑप्शनल में ध्यान रखना तीन घंटा हम रेगुलर क्लास लें तो 250 से 280 घंटा लगता है यह पूरा दिल्ली का एक प्रमाणित मैं आपको समय बता रहा हूं जितने भी टीचर हैं जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं वो इतना समय लेते यदि इसमें से काटा जाएगा समय तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है आप सोचिए जितना सवाल हमने आपको दिया है यदि आप इस तरह से नहीं पढ़े होते तो उन सवालों का उत्तर लिखना आपके लिए संभव नहीं था इस बात को मान के चलिए आप क्योंकि जितने मेरे प्रश्न थे इतने बेहतर प्रश्न हैं कि उनका उत्तर वही लिख सकता है जो बच्चा चीजों को समझा है बिना समझे उन प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है बात को समझिए आप ठीक है और यही कारण है कि हमने शुरू से समझाया लिखवाया प्लस प्रश्न भी दिया आपको ठीक है ऐसा कोई करता नहीं है ध्यान दीजिएगा ठीक है या तो लिखवाएगा या तो समझाएगा प्रश्न कैसे लिखना है इसका उत्तर कोई नहीं बताता है कारण कि इसका एक अलग समय होता है जिसको हम टेस्ट सीरीज कहते हैं और आपका तीनों साथ में चल रहा है समझना भी लिखना भी और टेस्ट सीरीज भी साथ में चल रहा है तो समय तो लगेगा भाई तो समय तो लगेगा ठीक है राइट right. इसलिए चिंता मत कीजिए आपका परीक्षा से पहले मान के चलिए कि आपका क्लास में जो समय में बताया हूं आप जोड़ लीजिए उसके तहत ही आपका सिलेबस में खत्म कर दूंगा हाँ स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा हम लोग को स्पीड बढ़ाना होगा और स्पीड कैसे बढ़ेगा हम समझाएंगे आप लिखेंगे ठीक है और अलग से नोट्स आपको हम कुछ दे देंगे ठीक है इसलिए घबराइए नहीं राइट आप देखते नहीं है कितने बच्चे हैं जो चारों बार प्री पास करते हैं लेकिन मेंस पास नहीं करते हैं कारण उनके पास नॉलेज है लेकिन उनके पास उत्तर लेखन का जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है तो क्यों नहीं है कारण केवल पढ़ाया गया है और प्रश्न कैसे लिखा जाएगा इस पढ़ाई का प्रश्न में क्या उपयोगिता होगा ये कोई बताता नहीं जिसका परिणाम होता है कि आपके सामने जब सवाल आता है तो उसका उत्तर आप लिख नहीं पाते और लिखते भी हैं तो सही तरीका से उत्तर नहीं लिख पाते तो इसके लिए मत घबराइए ठीक है मेरे दिमाग में भी चिंता है कि आपके कोर्स को यथाशीघ्र कैसे समाप्त किया जाए क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है ठीक है तो चलिए अपना समय हम लोग उपयोग करते हैं सबसे पहला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन कब कहां और किसके द्वारा तीन सवाल हमारे पास आए तो ध्यान दीजिए भारत में धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ बंगाल से बहुत बेसिक प्रश्न है सबसे पहले बंगाल से और बंगाल से होने के बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है यानी सबसे पहले समाज और धर्म के क्षेत्र में जो विसंगतियां थी जो कुरीतियां थी जो बुराइयां थी उस पर प्रहार कैसा प्रहार बौद्धिक ऐसे नहीं बौद्धिक प्रहार सबसे पहले बंगाल से शुरू हुआ और बंगाल के चेतना से बंगाल के चेतना से प्रभावित होकर महाराष्ट्र मद्रास केरला और भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार होने लगा सबसे पहला बेसिक सवाल कब 19 सेंचुरी के प्रारंभ में नाइनटीन सेंचुरी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा नाइनटीन सेंचुरी के प्रारंभ में ब्रह्म समाज स्थापित करके ब्रह्म समाज स्थापित करके और सती प्रथा का उन्मूलन करके एक ऐसा चेतना का विकास किया गया एक ऐसा बौद्धिक हलचल पैदा किया गया जिससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हुआ और राजा साहब के द्वारा जिस बौद्धिक आंदोलन को शुरू किया गया वही बौद्धिक आंदोलन कहलाया भारतीय पुनर्जागरण वही कहलाया भारतीय पुनर्जागरण तो तीन प्रश्नों का उत्तर फिनिश ऐसे सिलेबस समाप्त होता है बच्चों इन तीनों का उत्तर समाप्त हो गया ऐसे ही समाप्त होगा ध्यान रखना ठीक है अब आइए क्या है वट इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी धर्म और समाज सुधार आंदोलन क्या है एक सामान्य उत्तर है चलिए पहले आप बताइए आप लोग बहुत जल्दीबाजी में चलिए बताइए आप राइट डाउन टू फास्ट बताइए लिखिए जल्दी बौद्धिक जागरण बौद्धिक जागरण पवन पांडे प्रियंका बौद्धिक जागरण बौद्धिक जागरण और कोई जल्दी जल्दी ये पूरा उत्तर नहीं है इससे नंबर नहीं मिलेगा भाई समाज के कुरुतियों को समाप्त करना है। इंद्रजीत क्रांति अजीत अमन नवीन चेतना का विकास मुनमुन ठीक है अब ध्यान दीजिए आप सुनिए ऋतु ठीक है अब सुनिए सुनिए धर्म सुधार आंदोलन लिशन मी, धर्म सुधार आंदोलन एक बौद्धिक चेतना है धर्म सुधार आंदोलन एक बौद्धिक चेतना है जिसका उद्देश्य धर्म समाज संस्कृति में व्याप्त विसंगतियों को उन्मूलन करके एक समतावादी मानवतावादी राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष धर्म, समाज का सृजन करना समाज का सृजन करना था इस प्रक्रिया को ही भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन कहा जाता है एक बार मैं रिपीट करता हूं धर्म और समाज सुधार आंदोलन एक बौद्धिक चेतना थी जिसका उद्देश्य मानव को केंद्र में रखते हुए मानव को केंद्र में रखते हुए मानव को केंद्र में रखते हुए समाज धर्म संस्कृति के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों का उन्मूलन करते हुए एक समतावादी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज का सृजन करना था समाज का सृजन करना था पुलिस इसे भारतीय धर्म सुधार आंदोलन अथवा भारतीय पुनर्जागरण का संज्ञा दिया जाता है इसे भारतीय धर्म सुधार आंदोलन अथवा भारतीय पुनर्जागरण का संज्ञा दिया जाता है आगे बढ़े हम बोलिए आगे बढ़े ठीक है अगला है उद्देश्य उद्देश्य इसका क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है नंबर वन पहला उद्देश्य भारत को एक राष्ट्र बनने में एक राष्ट्र बनने में सहायता करना सहायता करना इसका पहला उद्देश्य है कि भारत को एक राष्ट्र बनने में सहायता करना इसका दूसरा उद्देश्य समाज धर्म संस्कृति में व्याप्त बुराइयों को खंडित करके खंडित करके एक समतावादी एक समतावादी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष एवं बुद्धिवादी बुद्धिवादी समाज का सृजन करना बुद्धिवादी समाज का सृजन करना समाज धर्म संस्कृति में व्याप्त बुराइयों को खंडित करके एक समतावादी राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एवं बुद्धिवादी समाज का सृजन करना फुल स्टॉप तीसरा उद्देश्य तीसरा उद्देश्य इसका तीसरा उद्देश्य है कि मानव को मानव को साधन से साध्य बनाना 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 इसका तीन उद्देश्य हो गया ठीक है बच्चों संक्षेप में कहा जाए तो आप सोच लो कि इस समय के जितने भी सुधारवादी थे उनका एकमात्र उद्देश्य था मेरा अंतिम शब्द है उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो अंधविश्वास है जो पिछड़ेपन है जो कुरीतियां हैं जो विसंगतियां हैं जो हमारे उत्थान के रास्ते में बाधक हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते जो हमें गतिहीन बनाकर रखे हैं जो हमारे सोचने की शक्ति को शक्ति को क्षीर्ण कर दिए हैं उन्हें दूर करना उनका उन्मूलन करना और हमारे अंदर चेतना को जागृत करना ताकि हम अपना उत्थान प्लस राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा सके यही इनका उद्देश्य था ध्यान रखना एक बात और इनमें से जितने सुधारक हुए किसी ने भी हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को छोड़कर किसी नवीन धर्म को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया राजा राम केशव चंद्र ईश्वर चंद्र एम जी रनाडे इन सभी ने हिंदू धर्म को छोड़ने की बात नहीं की। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू धर्म और जो मुस्लिम सुधारक थे उनके लिए इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं उसे समाप्त किया जाए ताकि यह धर्म हमारे प्रगति में बाधक नहीं साधक साबित हो सके यही इनका उद्देश्य था अब अगला पॉइंट है कि भारतीय धर्म सुधार आंदोलन का प्रेरणा का स्रोत क्या है इनको कहां से इंस्पिरेशन मिलता था इंस्पिरेशन तो देखना आप देखोगे कि भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रेरणा का स्रोत है प्रेरणा का स्रोत है वह दो है पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है पूर्वी और पश्चिमी दोनों है यानी ये है ओरिएंटल, ओरिएंटल सिविलाइजेशन हो गया और ये हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया इसका मतलब हुआ कि जितने समाज सुधारक थे उनका कहना था कि भारत में जो समाज सुधार होगा वह दो तरह से होगा यानी भारतीय संस्कृति में जो अच्छाइयां हैं उनको हम लेंगे और बुराइयों को छोड़ेंगे और पश्चिम में जो अच्छाइयां हैं उनको लेंगे और बुराइयों को छोड़ेंगे यानी हम दोनों तरह से सुधार करेंगे हम पूरब से भी लेंगे हम पश्चिम से भी लेंगे और दोनों सभ्यताओं में जो कमियां हैं उसको छोड़ देंगे केवल हमें अच्छाई को लेना है मैं एग्जाम्पल देता हूं जैसे राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने कहा कि प्राचीन काल में भारत में हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता था जो वैदिक सभ्यता था तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में समाज समता मूलक था समाज समतावादी था उस समय समाज में जाति पाति नहीं था उस समय समाज में छुआछूत भी नहीं था तो हम वहां से क्या लेंगे सामाजिक बातों को लेंगे कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए ऋग्वैदिक समाज की तरह होना चाहिए जहां पर समाज में कोई भी जाति पाति यानी जाति व्यवस्था छुआछूत नहीं था नंबर वन मोहन राय कहते हैं कि वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था हमें साक्ष्य मिलता है कि वैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था क्या होता था उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि जब कोई छात्र गुरुकुल में प्रवेश करना चाहता है यानी जब विद्या आरंभ होगा तो विद्या आरंभ करने से पहले एक संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार इसके बाद हम पवित्र हो जाते थे और फिर हम गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो वैदिक काल में महिलाओं का भी जो है उपनयन संस्कार होता था और हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि वैदिक काल में कई मंत्रों का रचना कई मंत्रों का रचना महिलाओं ने किया है आप देखिए कई नाम ऐसे हैं घोषा है मैत्रेयी है है ना तो कई ऐसे महिलाएं हमारे पास विदुषी हैं तीसरी बात रजना मोहन राय कहते हैं कि वैदिक काल में हम देखते हैं एक सभा समिति हुआ करता था सभा का मतलब आज का जिस तरह से आप देखेंगे आज का लोकसभा हो गया और समिति का मतलब आज का राज्यसभा हो गया तो सभा समिति में पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते थे महिलाएं भी सम्मिलित होती थी यह शो करता है कि वैदिक काल में हमारे पास लोकतांत्रिक परंपराएं थी राजा राम मोहन राय कहते हैं कि लोकतंत्र की परंपरा को वहां से लेंगे और हम क्या छोड़ेंगे हम सती प्रथा को छोड़ेंगे जो प्राचीन काल में देखने को मिलता है हम शिशु हत्या को छोड़ेंगे हम बाल विवाह को छोड़ेंगे हम क्या हम जो है एक तरह से दहेज प्रथा को छोड़ेंगे हम बहु विवाह को छोड़ेंगे हम अंतर विवाह पर अंतर जाति विवाह पर जो रोक है उसको छोड़ेंगे विधवाओं का विवाह पर जो रोक है उसको छोड़ेंगे सब मिलाकर बच्चों आप कह सकते हो कि पूर्वी का मतलब कि प्राचीन भारत में जो हमारे पास सकारात्मक विचारधारा है संस्थाएं हैं उनसे हम प्रेरित होंगे और उनके आधार पर हम आज अपने समाज का निर्माण करेंगे और उस समय के जो समाज की विसंगतियां हैं उसको छोड़ेंगे इसी तरह पश्चिम पश्चिम के बारे में उनका कहना था और उनका क्या सबका कहना था कि पश्चिम में क्या हुआ ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ पश्चिम में क्या हुआ आविष्कार हुआ पश्चिम में क्या हुआ औद्योगिक क्रांति हुआ पश्चिम में क्या हुआ लिबर्टी इक्वालिटी का विकास हुआ पश्चिम में क्या हुआ राष्ट्रवाद का विकास हुआ पश्चिम में क्या हुआ लोकतंत्र का विकास हुआ यानी कि पश्चिम के जो विचारधारा है उससे हम सीख लेंगे लेकिन पश्चिम में भी कुछ विसंगतियां हैं जैसे नस्लवाद को छोड़ेंगे जैसे साम्राज्यवाद को छोड़ेंगे हम है ना ये पश्चिम का क्या है विकार है उसको हम छोड़ेंगे तो सब मिलाकर आप कह सकते हो कि इस समय जो समाज सुधार आंदोलन हुआ उसका निर्माण पश्चिम और पूरब दोनों को मिलाकर करने की बात किया गया चलिए जरा दो सेंटेंस लिख लीजिए जल्दी में लिखिए जरा दो सेंटेंस नहीं तो आप भूल जाएंगे लिखिए बस दो सेंटेंस लिखिए लिखिए नाइनटीन उन्नीसवीं एवं बीसवीं उन्नीसवी एवं बीसवीं सदी के सभी भारतीय सभी भारतीय समाज और धर्म सुधारक सभी भारतीय समाज और धर्म सुधारकों ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता दोनों दोनों के उच्च विचारों को दोनों के उच्च विचारों को अपना आधार बनाया अपना आधार बनाया अपना आधार बनाया इनका इनका मानना था इनका मानना था कि हमें हमें पूरब के हमें पूरब के उत्तम विचारों को हमें पूरब के उत्तम विचारों को स्वीकार करना है हमें पूरब के उत्तम विचारों को स्वीकार करना है तथा कमियों को तथा कमियों को तथा कमियों को अस्वीकार करना है तथा कमियों को अस्वीकार करना है जैसे समतावादी समाज जैसे समतावादी समाज महिलाओं के प्रति महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव और वही और वही जाति व्यवस्था वहीं जाति व्यवस्था छुआछूत लिंग असमानता मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा तीर्थयात्रा पुरोहित बाद पुरोहित बाद आदि को आदि को अस्वीकार करना है आदि को अस्वीकार करना चाहिए आदि को अस्वीकार करना चाहिए पैरा बदल करके जहां तक पश्चिमी आदर्श का प्रश्न है जहां तक पश्चिमी प्रेरणा का प्रश्न है जहां तक पश्चिमी प्रेरणा का प्रश्न है जहां तक पश्चिमी प्रेरणा का प्रश्न है तो भारत को तो भारत को पश्चिम में हुए तो भारत को पश्चिम में हुए वैज्ञानिक प्रगति वैज्ञानिक प्रगति औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास तथा लोकतंत्र राष्ट्रवाद जैसे विचारों से जैसे विचारों से प्रेरित होना चाहिए जैसे विचारों से प्रेरित होना चाहिए और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में अपना लेना चाहिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अपना लेना चाहिए आधुनिक भारत के निर्माण में अपना लेना चाहिए जबकि दूसरी ओर जबकि दूसरी ओर साम्राज्यवाद उपभोक्तावाद साम्राज्यवाद उपभोक्तावाद स्लवाद जैसे प्रवृत्तियों को जैसे प्रवृत्तियों को अस्वीकार करना चाहिए जैसे प्रवृत्तियों को अस्वीकार करना चाहिए पूरे स्टॉप तो आप समझ गए होंगे कि जो आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है वह दो राष्ट्रों से हुआ है उसमें पूरब भी है उसमें पश्चिम भी है ध्यान देना और एक बात पर हमेशा ध्यान रखना कि केवल दयानंद केवल दयानंद एकमात्र ऐसे भारतीय समाज सुधारक हैं, केवल दयानंद एकमात्र ऐसे भारतीय धर्म सुधारक हैं जिन्होंने पश्चिम से लेने के विचार जिन्होंने पश्चिम से लेने के विचार को अस्वीकार कर दिया उनका कहना है कि हम आधुनिक हैं और हमें यह न माना जाए कि मैं पुनरुत्थानवादी हूं मैं पुनरुत्थानवादी नहीं हूं मेरा केवल कहना यह है कि भारत का निर्माण जो होगा वह केवल पूर्वी सभ्यता से होगा वो पश्चिमी सभ्यता से नहीं होगा इनका कहना है कि पूर्व में ही ज्ञान विज्ञान की इतनी बातें हैं कि हमें पश्चिम की ओर देखने की जरूरत ही नहीं और शायद इसीलिए इनका नारा था कि गो बैक टू वेदाज यानी वेदों की ओर लौटो तो ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना राजा राम मोहन राय से लेकर के जितने समाज सुधारक हुए गांधी तक सबने माना कि भारत का निर्माण होगा पूरा पश्चिम से एकमात्र दयानंद को छोड़कर जिनका कहना था कि नो नो हम पश्चिम से कुछ भी नहीं लेंगे हमारे यहां भी आर्यभट पैदा हुआ था हमारे यहां भी वारा पैदा हुआ था हमारे यहां उनसे पहले अर्थशास्त्र की रचना हुई थी हम क्यों सीखेंगे भाई हमारे यहां विज्ञान भी है तकनीकी भी है कला भी है संस्कृति भी है हमें पश्चिम की ओर नहीं देखना चाहिए इट वॉज से दयानंद और इनको छोड़ दो तो सबने माना कि नहीं हम लोग का उद्देश्य आधुनिक भारत हो चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो हमें इससे लेना देना नहीं हमारा केवल मकसद है कि भारत बनना चाहिए हम कहां से लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये इनका प्रेरणा का स्रोत है ठीक है अब देखिए अगला पॉइंट में लेता हूं अगला मेरा पॉइंट था कि भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन का आधार क्या था जितने समाज सुधारक हुए उनका क्या आधार है यानी समाज और धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन का आधार क्या था बच्चों ध्यान रखना इसमें हम देखेंगे केवल तर्क है केवल तर्क केवल बुद्धि तर्क अथवा बुद्धि यही इनका आधार था यही इनका आधार था मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको एक समाज सुधारक हैं, सैयद सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान इनका कहना था अहमद खान का कहना था कि जब धर्म जब धर्म मानव के प्रगति के रास्ते में अवरोध पैदा करे रुकावट पैदा करे तो हमें उस धर्म का बुद्धि के प्रकाश में तर्क के प्रकाश में उसका समीक्षा करना चाहिए और उसमें परिवर्तन करना चाहिए यह कौन कहता है यह कहते हैं सैयद अहमद खान कहते हैं आप जानते हैं ये आप देखोगे कि 19 सेंचुरी में इस्लाम के अंदर सबसे बड़े समाज सुधारक थे सबसे बड़े समाज सुधारक थे ये पहला ऐसा मुस्लिम सुधारक थे ठीक है यह पहला ऐसा मुस्लिम सुधारक थे जिनका कहना था कि मुसलमानों को कुरान का अध्ययन कुरान का अध्ययन आधुनिक विज्ञान आधुनिक तकनीकी तर्क बुद्धि के माध्यम से करना चाहिए और तभी जाकर के मुस्लिम समाज का उत्थान हो सकता है यह मैं नहीं कहता हूं ये कहते हैं सैयद अहमद खान कहते हैं इसका मतलब इसका मतलब तर्क इस बात को ध्यान रखना बच्चों बहुत बड़ी चीज है जितने समाज सुधारक थे सबने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक हम कोई भी निर्णय को बुद्धि से नहीं लेंगे तर्क से नहीं लेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भावना है जो भावना है वह हमारी बुद्धि को रोक देती है वो सुधार नहीं करने देती भावना परंपरा का पोषक है ध्यान रखना जो भावना होता है वह परंपरा का पोषक है जो तर्क है वह परिवर्तन का पोषक है इन दोनों में अंतर यही है भावना परंपरा को क्या करता है पोषित करता है तर्क परिवर्तन को क्या करता है उसको प्रेरित करता है तो ये आपका है इनका आधार क्या है अब अगला पॉइंट क्या है बताएंगे जरा अगला पॉइंट क्या था अगला पॉइंट बताएंगे क्या था हमने क्या लिखा था प्रॉब्लम क्या है ठीक है प्रॉब्लम ध्यान दीजिए यानी कि यानी कि जो भारतीय समाज सुधार आंदोलन है उनके सामने समस्याएं क्या थी समस्याओं में देखोगे एक धार्मिक समस्या हो गई धार्मिक समस्याएं हो गई और दूसरा है सामाजिक समस्याएं सामाजिक समस्याएं हो गई तीसरा हो गया राजनीतिक और चौथा हो गया आर्थिक और चौथा हो गया आर्थिक तो सबसे पहले हम लेते हैं धार्मिक समस्याएं धार्मिक समस्याओं में सबसे पहला हो गया मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा हो गया दूसरा हो गया तीर्थ यात्रा तीसरा जो हो गया बहुदेववादी बहुदेववादी हो गया चौथा हो गया यज्ञ बलि यज्ञ बलि हो गया पांचवा हो गया क्या पुरोहित बाद पुरोहित बाद ठीक है और छठा है धार्मिक आधार पर धार्मिक आधार पर अलगाव धार्मिक आधार पर अलगाव इसे आप नोट कर लीजिए यानी बच्चों धर्म के क्षेत्र में हमारे सामने जो मुख्य समस्याएं थी उसमें एक है मूर्ति पूजा दूसरा है तीर्थयात्रा तीसरा है बहुदेव चौथा है यज्ञ बली पांचवा है पुरोहित वाद और छठा है विभिन्न धर्मों के बीच में तालमेल का अभाव अलगाव ठीक है बताता हूं पवन पांडे पवन ने एक प्रश्न किया कि सर तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा कैसे समस्या है इसका उत्तर मैं देता हूं समझिए बातों को पहले यानी हमारे सामने ये मूल समस्याएं थी और आज भी है ऐसा नहीं उस समय था आज भी यही समस्या है आप देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं राजा राम मोहन राय राजाम मोहन राय कहते हैं सुनिए ध्यान से वो कहते हैं कि यदि हम भारतीय लोग यदि हम भारतीय लोग अलग अलग देवताओं का पूजा करेंगे अलग अलग देवियों का आराधना करेंगे तो हम में एकता कैसे होगी जब हमारे देवता जब हमारे देवता और देवी देवी और देवता अलग हैं अलग हैं तो हम एक कैसे हो सकते एक कैसे हो सकते लेकिन उद्देश्य क्या है उद्देश्य राजनीतिक है मामला धार्मिक है लेकिन उद्देश्य राजनीतिक है क्यों राष्ट्रवाद कहता है बच्चों जो राष्ट्रवाद होता है राष्ट्रवाद होता है इसका परिभाषा कहता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जब पूरे भारत के लोग एक हैं तब जाकर के हम साम्राज्यवाद का विरोध कर सकते हैं जब तक एक नहीं होंगे तब तक बाजूरा वीडियो रुक रहा है क्या बीच बीच में वीडियो रुक रही है तो यह हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो ठीक है क्योंकि मेरे पास तो नेटवर्क सही है ठीक है समझिए बात को राजा राम मोहन राय कहते हैं कि पूरा भारत जब एक होगा तो हम राष्ट्रवादी चेतना से क्या होंगे हम प्रभावित होंगे और जब राष्ट्रवादी चेतना हमारे पास आएगा तो हम साम्राज्यवाद का विरोध कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रवादी चेतना कैसे आएगा जब हमारा देवता देवी एक नहीं है तो हम एक कैसे हो सकते इसका मतलब पवन पांडे इस बात को ध्यान रखना कि राजा साहब का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम इस देवता का पूजा करो तुम इस देवी का पूजा करो उनका उद्देश्य था कि देवता देवी के आधार पर जो समाज बंटा हुआ है उसको एक करना और यही कारण है कि राजा साहब ने कहा कि बहुदेववादी नहीं एकेश्वरवादी एकेश्वरवादी यानी भगवान एक है जब भगवान एक है तो पूरा हिंदू पूरा मुस्लिम एक हो जाएगा जब एक हो जाएगा तो राष्ट्रवाद आ जाएगा और जब राष्ट्रवाद आ जाएगा तो साम्राज्यवाद का विरोध कर सकते हैं और यही कारण है बच्चों कि यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन किया क्या क्वेश्चन किया यूपीएससी ने यहां से सवाल किया कि भले ही भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन ध्यान सुनो भले ही भारतीय समाज और धर्म सुधार आंदोलन का बाहरी स्वरूप धार्मिक था लेकिन उसका आंतरिक आत्मा राष्ट्रवादी था उसका आंतरिक स्वरूप राष्ट्रवादी था उसका आंतरिक आत्मा राष्ट्रवादी था यह सवाल आया यूपीएससी का सवाल है मेरी बात समझिए अब जहां तक आपने कहा तीर्थ यात्रा की बात आप बताइए यदि आप यात्रा करते होंगे गए होंगे कहीं पर पवन तो आप देखेंगे कि वहां के पुरोहित धर्म के नाम पर किस तरह से व्यापार करते हैं वहां धार्मिक व्यापार होता है वहां पूजा पाठ नहीं होता है तो तीर्थ यात्रा इनका कहना था कि आडंबर का रूढ़ीवाद का केंद्र था और जब तक हम पुरोहितवाद को जो पंडित कहता है जो मौलवी कहता है कि हम भगवान के मैसेंजर हैं और हमें दान दक्षिणा दोगे तो हम भगवान तक तुम्हारे समस्या को पहुंचा सकता और ये लोग कह करके समाज को क्या करते हैं शोषण करते हैं तो इन सुधारकों का कहना था कि धार्मिक जितनी भी समस्याएं हैं इन पर हमें प्रहार करना है कैसे बौद्धिक रूप से कैसे विज्ञान के रूप से कैसे तर्क बुद्धिवाद के माध्यम से ताकि समाज के रास्ते में जो अवरोध है उसे हम दूर कर सके और ध्यान रखना एक बात और भारतीय समाज में जितनी भी समस्याएं थी जिसका हम जिक्र करेंगे अभी भारतीय समाज में जितनी भी समस्याएं थी उनके पीछे कहीं न कहीं धर्म का कहीं ना कहीं धर्म का प्रभाव था यानी भारत में समाज और धर्म दोनों में क्या था पूरकता का संबंध था पूरकता का संबंध था दोनों में पूरकता का संबंध था बच्चों ध्यान रखना जब ये अच्छा होगा तो ये भी अच्छा होगा अभी आप याद करो जब राजा राम मोहन राय ने बेंटी के पास सती प्रथा के विरोध में सती प्रथा के विरोध में एप्लीकेशन दिया आवेदन दिया तो पता है आपको उसी समय राज राम मोहन राय के एप्लीकेशन के काउंटर में उनके विरोध में दूसरा एप्लीकेशन फाइल किया गया प्रस्तावित किया गया और वो किया था राधाकांत देव राधाकांत देव जो बंगाल के एक सामाजिक रूप से रूढ़िवादी नेता थे कौन राधा सामाजिक धार्मिक रूप से रूढ़ीवादी थे और ये चंद्रिका चंद्रिका एक समाचार पत्र होता था बच्चों ध्यान सुनो चंद्रिका समाचार पत्र होता था जिसका प्रकाशन करते थे राधा कांत इन्होंने बेंटी के पास आवेदन पत्र दिया और क्या कहा, कहा कि सुनिए ब्रिटिश सरकार यहां शासन कर रही है हमें कोई एतराज नहीं आप शासन करिए लेकिन समाज और धर्म के क्षेत्र में आपको किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है बेंटिक डर गया कि कहीं हमारे खिलाफ क्रांति ना हो जाए लेकिन फिर भी राजा साहब लगातार लगे रहे और उसका परिणाम हुआ कि उनको सफलता मिली तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि समाज में धर्म में हमेशा भारत में पूरकता का संबंध रहा है अभी आप रिसेंट में याद करो रिसेंट में जब मोदी सरकार ट्रिपल तलाक के ऊपर जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाया तो मुस्लिम समाज के अंदर से कई लोगों ने विरोध किया और विरोध करने का आधार क्या था उनका कहना था कि इस्लाम की परंपराएं हैं इस्लाम की परंपराएं हैं और इस्लामिक परंपराओं को इस्लाम ही हल करेगा उसमें किसी कानून का किसी न्यायालय का किसी विधान पालिका का किसी कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए लेकिन इस्लाम के समाज से जो बौद्धिक लोग थे यानी आज भी इस्लाम के अंदर आप देखोगे कि सैयद अहमद खान आज भी है इस्लाम के अंदर सर सैयद अहमद खान आज भी उन्होंने कहा कि नहीं सरकार सही कर रही है महिलाओं की समस्या है और इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाएं भी प्रगति से जुड़ सके यानी इस्लाम के कई लोगों ने इसे स्वागत किया तो मेरा कहने का मतलब है ये बच्चों कि जितने समाज सुधारक थे इस बात को जानते थे कि जब तक धर्म के अंदर संस्कार नहीं किया जाएगा तब तक भैया समाज सुधारने वाला नहीं है क्योंकि जब कोई कुरुति कुरीति को हम समाप्त करने की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं कि साहब ये तो धर्म में लिखा गया है ये तो धार्मिक समस्याएं आप कैसे खत्म कर सकते इस बात को ध्यान रखना ठीक है चलिए अगला हम लेते हैं इसके बाद क्लास को एंड करेंगे समस्या कम से कम बता देते हैं आज अब आइए सामाजिक समस्याएं सामाजिक समस्याएं सामाजिक समस्या, समस्या में देखोगे बच्चों सामाजिक समस्या में देखोगे कुछ जाति प्लस वर्ण आधारित है वर्ण आधारित है और कुछ समस्या जो है लिंग आधारित है लिंग आधारित है यानी समाज में दो तरह की समस्याएं कुछ जाति और वर्ण आधारित और कुछ जो है लिंग आधारित अब जाति जो और वर्ण आधारित समस्या जो है इसमें क्या क्या है इसमें जाति व्यवस्था है इसमें जाति व्यवस्था है इसमें क्या है छुआ है इसमें छुआ छूत छूत है इसमें ऊंच नीच का भाव है इसमें ऊंच और नीच का भाव है इसमें नस्लवाद है इसमें नस्लवाद है ठीक है अब आइए लिंग आधारित यहां पर आप जानते होंगे सती प्रथा हो गया विधवा पुनर्विवाह पर रोक हो गया विधवा पुनर्विवाह पर रोक हो गया शिशु हत्या हो गया शिशु हत्या हो गया ठीक है अशिक्षा हो गया इसको नोट कर लीजिए बोलते हैं सती प्रथा विधवा पुनर्विवाह पर रोक शिशु हत्या लिखिए बाल विवाह बाल विवाह लिखिए बोलता हूं विवाह लिखिए बहु विवाह दहेज प्रथा प्रदा प्रथा अंतर जातीय विवाह पर रोक अंतर जातीय विवाह पर रोक अशिक्षा की समस्या अशिक्षा की समस्या इत्यादि इत्यादि यह है सामाजिक समस्याएं जो आज भी विद्यमान है अगला नोट कर लीजिए आर्थिक आर्थिक समस्याएं लिखिए आर्थिक समस्याएं आर्थिक समस्याएं लिखिए आर्थिक समस्याएं गरीबी गरीबी पिछड़ेपन गरीबी पिछड़ेपन कृषि तथा उद्योग में कृषि तथा उद्योग में प्रगति नहीं बेरोजगारी की समस्या ये सब आर्थिक समस्याएं हो गई अब लास्ट पॉइंट लिखिए राजनीतिक समस्या राजनीतिक समस्या राजनीतिक समस्या साम्राज्यवाद 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 नस्लवाद साम्राज्यवाद नस्लवाद राष्ट्रवाद का अभाव राष्ट्रवाद का अभाव लोकतांत्रिक अधिकारों लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव लोकतांत्रिक अधिकारों का अभाव बस एक मिनट में इसको हम समझाते हैं और इसके बाद क्लास आपका उभर हो जाएगा देखिए नाइनटीन सेंचुरी या बीसवीं सदी के जितने समाज सुधारक हुए जितने भी हुए उन सबके द्वारा केवल समाज और धर्म के क्षेत्र में ही सुधार लाने का प्रयास किया गया इनमें से कोई भी उस समय के आर्थिक समस्याओं को उठाने का प्रयास नहीं किया उठाया भी तो धीमे स्वर में उठाया धीमे स्वर में उठाया उन पर प्रहार नहीं किया उसी तरह से इन सुधारकों के द्वारा साम्राज्यवाद का विरोध भी नहीं किया गया ध्यान रखना साम्राज्यवाद का विरोध भी नहीं किया गया हाँ सुधार करने की बात किया गया लेकिन सरकार पर प्रहार करने की बात नहीं किया गया ये इस समय के धर्म और समाज सुधार आंदोलन की एक सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है इस बात को ध्यान रखना सबसे बड़ी कमजोरी सीमाएं मानी जाती है कि इन सुधारकों ने अपने सुधार योजना में आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक समस्याओं को स्थान नहीं दिया लेकिन बच्चों ध्यान रखना इनको बचाना भी है आप कैसे बचाएंगे कि उस समय कंडीशन जो था स्थितियां जो थी वह प्रहार करने के अनुकूल नहीं थी क्योंकि अभी भारत बन रहा था अभी सुधार हो रहा था और ऐसे में हम उस स्थिति में नहीं थे कि क्योंकि अभी भारत बन रहा था अभी सुधार हो रहा था और ऐसे में हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम सरकार के ऊपर कोई प्रहार कर सके प्रहार करने का प्रयास करते तो सुधारवादी आंदोलन को हो सकता था कि सरकार रोक सकती थी और सती प्रथा को समाप्त नहीं करती समाप्त इसलिए किया क्योंकि हम उसका आलोचना नहीं करते थे इसलिए हमें सहायता मिल गया यदि आलोचना करते तो राजोहन राय की बातों को मान करके बेंटिक सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून पारित नहीं करता ऐसे बचाना है क्या बचाना है कि उस समय के हालात परिस्थितियां अभी सुधार करने की थी विरोध करने की तो बच्चों आपका समय समाप्त हुआ और देखिए आप घबराइए नहीं ठीक है आपको हम अपने द्वारा लिखा गया नोट्स आज हम प्रबंधन से बात कर लेते हैं और आपको व्हाट्सअप कर देंगे हम उससे फायदा यह होगा कि क्लास में जितना हम लिखवाते हैं तो हम कम कर देंगे और जो महत्वपूर्ण बात होगी उसको ही हम लिखवाएंगे ठीक है, है? हालांकि हम लोग सही काम कर रहे थे लेकिन इसमें समय लगता है तो समय लगता है तो आपको लगता है कि समय अधिक लग रहा है काम तो सही है लेकिन समय लगता है तो आपको लगता है कि पता नहीं कब तक कोर्स जाएगा इसलिए इस कारण जो है हमें कुछ अपने योजना में परिवर्तन करना पड़ता है ठीक है तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं ठीक है और ठीक है ना तो हम लोग कल मिलते हैं ओके थैंक यू